सागर, इसको जरा कॉल कर दो एक बार, वर्जिल को और राज को। हाँ ओके सर। देखो, जो मैं टॉपिक आज कराऊंगा ना, वो टॉपिक हम लोगों ने पहले किया नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? एंड दिस इज प्योरली फॉर एंट्रेंस। और इसके ना ये काफी डेप्थ में जाएंगे इस टॉपिक के हम लोग, और कंसेप्चुअल टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम है रेडिएशन प्रेशर। देखो, रेडिएशन प्रेशर को हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले सीख करके रखी है। एक टर्म हमने सीखा था फोटोन, जो कि हम कहते थे कि एनर्जी पैकेट। इस फोटोन, हम कहते हैं कि जो लाइट होती है वो इस छोटे छोटे फोटोन से बनी भी होती है, और उस फोटोन का जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो था E=hc/λ, E=hf। ये था फोटोन का एनर्जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो था H/λ। दो बातें हमने फोटोन के बारे में सीख के रखी थी। अब सीधी सी बात है, और इस पे तुम लोग को मैंने ट्रिक भी बताया था कि अगर कभी भी हमको बोला जाएगा कि किसी भी फोटोन की एनर्जी निकालनी है, तो हमको अगर उसका लेमडा दिया जाएगा, जैसे कि बोला गया लेमडा 400 नैनोमीटर, तो वहां पे क्या करते थे, जो एच सी की जो कन्वर्टेड वैल्यू है ना, वो हम पुट करते थे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो हम यहाँ पे क्या पुट करते थे, एच सी दैट इज 1240/400। क्लियर? उसका हमें क्या मिलता था, एनर्जी मिल जाता था आपको एक फोटोन का। क्लियर? तो दिस वाज बेसिक फॉर्मूला फॉर द फोटोन, इसके एनर्जी का और इसके मोमेंटम का। के बाद देखो आगे, एक मिनट, देखो ना, अब ये देखो, अगर मान लो कोई भी चीज के पास अगर मोमेंटम होता है, जैसे कोई बॉल है, ठीक है, उसके पास मोमेंटम होता है, अगर वो जाके किसी दीवार से टकराता है, तो ये बॉल ऐसे जाके हिट करेगा और बॉल का जो पाथ है वो रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि दीवार ने बॉल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया, तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अगर बॉल के ऊपर दीवार ने फोर्स एग्जर्ट किया है, तो बॉल ने भी क्या किया, दीवार के ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस बॉल ने भी क्या किया, तो इस दीवार पे मोमेंटम इम्पार्ट। अगर बॉल टकराती दीवार के ऊपर, तो दीवार ने बॉल के ऊपर मोमेंटम इम्पार्ट किया है, और न्यूटन के लॉ से बॉल ने भी क्या किया, दीवार के ऊपर मोमेंटम इम्पार्ट किया। क्यों किया बॉल ने दीवार के ऊपर मोमेंटम इम्पार्ट? क्योंकि बॉल के पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। अब यही पॉइंट अगर हम लेते हैं आर्ग्यू करने के लिए, तो फोटोन्स भी क्या करेंगे, अगर जैसे मान लो लाइट अगर किसी सर्फेस से टकराती है, तो वहां पर वो भी क्या करेगा, कुछ मोमेंटम को इम्पार्ट करेगा। ठीक है, हालांकि वो मोमेंटम बहुत 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 छोटा होता है, लेकिन करता है। ठीक है, तो हमको उसी मोमेंटम के बारे में, जो मोमेंटम होगा उससे जो फोर्स होगा, उससे जो प्रेशर होगा, हमको उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। ठीक, उसके बाद देखो, अब हम लोग की स्टडी पूरी इसी में बेस्ड होने वाली है, तो ये तुम लोग नोट कर जाओ पहले अच्छे से। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं लोगों। आगे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर,
एक टर्म हम यहाँ पे और देखते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या था? एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी की हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, इज पावर बाय एरिया। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि कहीं पे मान लो कोई भी अगर एक बल्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बल्ब है अंदर में, ठीक है, तो बताओ यहाँ से इसका पावर पी है, मतलब ये पी एनर्जी एमिट करता है एक सेकेंड में, यहाँ पे इस पार्ट में कितना इंटेंसिटी है? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इंटेंसिटी हो जाएगा पावर बाय एरिया। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी। और जो इंटेंसिटी होती है ना, ठीक है, ये अगर एक तो मान लो कोई पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो जाती है आर स्क्वायर के, पहला केस। दूसरा केस, अगर ये लाइन सोर्स होता है, ये किसके लिए था? पॉइंट सोर्स के लिए। ये सब बातें करने के बाद हम लोग आएंगे रेडिएशन पर। इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के। अगर यहाँ पे सोर्स हमारा हो जाता है लाइन सोर्स, और थर्ड केस में हम देखेंगे जो इंटेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है तब व्हेन सोर्स इज एट इंफिनिटी। ठीक है, और ये तुमको समझ में आने भी चाहिए, सन है, ठीक है, अब ये सन से लाइट निकलती है तो सीधी सी बात है, सन से लाइट अगर निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है रेस कैसी आती है? पैरेलल आती है अर्थ के ऊपर। तो अगर यहाँ से जो इंटेंसिटी, अगर हमने जैसे यहाँ पे हमने अगर एक एरिया देखा, जितनी लाइट यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, उतनी लाइट यहाँ पर भी गिरेगी, पैरेलल है देखो रेस। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, 1 मीटर हम दूर चले जाते हैं, क्या एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अरबों खरबों दूर से यहाँ से आ रही, 1 मीटर दूर चलेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इंटेंसिटी यहाँ पर होती है ना, वही इंटेंसिटी यहाँ पर भी होती है। इंटेंसिटी इज कॉन्स्टेंट व्हेन सोर्स इज एट इंफिनिटी। ठीक है, ये इंटेंसिटी की कुछ बातें, इसको नोट कर दो। एंड दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम आगे जाके पढ़ेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में, तो वहां पे पढ़ेंगे। लिख देता हूं मैं, दिस इट इज यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन। तो इसको नोट कर दो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर रेडिएशन प्रेशर पे आएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन निकालने के लिए जैसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू
पासिंग इन वन सेकेंड, कोई जैसे क्रॉस सेक्शन है यहाँ से, कितने फोटोन यहाँ से पास करेंगे एक सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन हो जाएगा टोटल एनर्जी कितनी पास करेगी वन सेकेंड में, तो एनर्जी जो पास करेगी वन सेकेंड में वो हो जाएगा आई इन टू ए। ये क्या हो गया, एनर्जी पासिंग इन वन सेकेंड, दैट इज पावर बोल सकते हो ना। अभी देखा हम लोगों ने यहाँ पे, देखो पावर था इंटेंसिटी इनटू एरिया, तो ये जगह इंटेंसिटी, ये हो गया एनर्जी पासिंग थ्रू वन सेकेंड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू एच टी बाई लैम्डा, दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन। टोटल एनर्जी मान लो पास कर रही है 100 जूल एक सेकेंड, एक फोटोन की एनर्जी 2 जूल है, तो सीधी सी बात है ना कि कितना एनर्जी, कितना फोटोन पास करे एक सेकेंड में, तो हम बोलते मान लो एन है 2 इंटू एन इक्वल टू 1000, 100 तो एन कितना जगह 50। सिंपल यूनिटरी मेथड हमने यूज किया, कोई नई चीज तो की नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। ये हो जाएगा आई ए लैम्डा बाय एक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ फोटोन। अगर एग्जाम में डेटा लिखा हुआ अगर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन में अगर आ जाता है, मेंस में आ जाए या नीट में आ जाए, तो सिंपल से फॉर्मूले को यूज करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो नोट कर लो, ये सबसे बेसिक एक्सप्रेशन है, इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीजें एडवांस होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर जब हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें बहुत लगभग हमारे पास 6-7 केस आएंगे, ठीक है। 6-7 केस में कैसे कैसे केस आएंगे, देखो हमसे बोला जाएगा कि रेडिएशन प्रेशर निकालो एक ऐसे करके सरफेस है और फोटोन गिरते हैं ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके ऊपर जाके रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ठीक है, एक केस ये आ सकता है। दूसरा केस आ सकता है कुछ सरफेस है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे फोटोन गिरता है, ठीक है, ऐसे करके, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखो, जब याद रखना है एक चीज, इसके पहले बताया था, कभी भी कोई भी अगर लाइट गिरती है ना किसी सरफेस पे, तो वहां पे क्या क्या हो सकता है, वहां पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वहां पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, और वहां पे ट्रांसमिशन हो सकता है, ये तीन चीजें हो सकती है, और इन तीनों का सम कितना होता है 100% होता है। मैंने बोला भी था तुम लोगों लाइट चैप्टर में कि रैट, ठीक है, रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिशन, इन तीनों का सम कितना होता है 100% होता है। अगर फ्रैक्शन में बात करें तो इन तीनों का सम कितना होता है 1 हो जाता है। ट्रांसमिशन जो होता है ना वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है जो हम पढ़ाई करते हैं। तो मेनली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, ए प्लस आर इक्वल्स टू 1, ठीक है, ट्रांसमिशन की स्टडी हम लोग करते ही नहीं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो हम लोग खाली स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन, बिकॉज मेनली यही होता है। अब अगर फुल्ली ए हो रहा है तो आर जीरो लेंगे, और फुल्ली अगर आर हो रहा है तो ए को जीरो लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ऐसे मान लो कोई फोटोन गिरा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये फोटोन यहाँ पे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहा, तो यहाँ पे हमने बोल दिया R इक्वल टू 1। एक केस हमको यहाँ पर निकालने बोला जाएगा रेडिएशन प्रेशर के लिए। दूसरा केस बोल देगा कि फोटोन गिरेगा, ठीक है, बहुत सारे फोटोन गिर रहे हैं, मैंने एक ही दिखाया, n फोटोन है, n फोटोन गिरेंगे और यहाँ पे ना कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो A इक्वल टू 1 हो जाएगा। तीसरा केस आ सकता है फिर यहाँ पे कि ऐसे करके फोटोन गिर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके, और कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब थोड़ा आर है और थोड़ा ए भी है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि अगर आर रिफ्लेक्शन अगर आर है तो एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर हो जाएगा। यहां से मैंने देख के बताया, ये वाला केस हो सकता है पार्शियल एब्जॉर्प्शन
पार्शियल इक्वेशन। चौथा केस तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि इस तरह से ऐसे फोटोन गिरेगा एंगल पे, ठीक है, ऐसे गिरा और ऐसे करके रिफ्लेक्ट करके चला गया, ठीक है, एंगल पे गिर सकता है और यहाँ पर फुल्ली रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक केस ये बन सकता है। एक केस बन सकता है यहाँ पे ये ऐसे गिरेगा, ठीक है, और ये ऐसे गिरा और रिफ्लेक्ट नहीं किया, ठीक है, फुल्ली एब्जॉर्ब हो रहा है, ये वाला केस बन सकता है, ठीक है, एंगल पे गिरा, देख सकते हो एंगल थीटा पे, ये एंगल थीटा पे गिरा है। तो सिक्स्थ केस हो सकता है कि यहाँ पे ये कुछ एंगल पे गिरे, यहाँ पर ये ऐसे चला जाए, ठीक है, और थीटा पे गिरे, यहाँ पे थोड़ा ए हो और थोड़ा आर हो, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो, कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट। ये छह केसेस जहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग को समझ में आने चाहिए। उसको जल्दी से सारे के सारे केस को नोट कर दो। इन छह केस के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फोर्स निकालना होता है और प्रेशर निकालना होता है, ठीक है, इन छह केस। जब बोर्ड की बात आती है ना, तो बोर्ड में वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस तक के लिमिटेड रहते हैं, ठीक है, थर्ड केस पे भी रेयरली जाते हैं, ठीक है, या कभी तुम्हारा ये वाला केस आ जाएगा या ये वाला केस आ जाएगा या ये वाला केस आ जाएगा, तीन केस में आते हैं, ठीक है, बाकी बाकी केस पे रेयरली जाते हैं, लेकिन एंट्रेंस में आपको छह केस आने चाहिए। इसको सब कुछ केसेस को नोट कर दो। जीरो की बात सबको तो यहाँ पर एक चीज और लिखेगा तुम लोग, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन, ये तो तुमको समझ में आ ही रहा है कि ए प्लस आर क्या होता है, एब्जॉर्ब, और आर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, इसका सम कितना होता है, वन होता है। तो अगर कभी पूछ ले कि इसका एक्सप्रेशन लिखो तो प्रॉपर आर का और ए का, तो उसको जो मिल सकते हैं ऐसा A equals to energy absorbed by energy incident, और R हो जाता है energy reflected by energy incident, ठीक है ना, ये दोनों चीजें लिख दो, या आर और एक की बात करो।
ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अब। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने यहाँ पे 6 केस हम लोग को पढ़ने, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लोग सबको बारी बारी से पकड़ते हैं। सबसे पहला फोर्स हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ डी टी डी टी, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाता है एफ डी एवरेज फोर्स इनटू टाइम, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है एवरेज फोर्स। याद रखना है, जब फोटोन हिट करते ना करके, समझना इस चीज को, कि जब फोटोन आकर के हिट करते, जैसे लाइट लगातार आकर किसी सरफेस को हिट करती है, तो जो हम लोग फोर्स की बात करते हैं ना, हम लोग टाइम में बात करते हैं फोर्स की, कि 1 सेकंड में कितना फोर्स अप्लाई किया, 2 सेकंड में कितना फोर्स अप्लाई किया, ऐसे। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि अगर ऐसे मान लो कोई यहाँ पे अगर आकर के मान लो ऐसे कोई मशीन गन से गोलियां चल रही, मशीन गन से लगातार गोली निकल रही है, तो अगर मान लो मशीन गन से लगातार गोलियां निकलती चली गई 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड में काफी सारी गोलियां निकली और ये जाकर के इस टारगेट को हिट करेगा, टारगेट जो है हिट होते होते तो यहां तक पहुंच जाएगा। अगर वही मशीन गन से चलेगी गोलियां 2 सेकंड तक, तो टारगेट कहां पे होगा, ये टारगेट यहां तक पहुंच जाएगा, है ना। जितनी देर तक की मशीन गन चलेगी, टारगेट उतना ज्यादा दूर जाता चला जाएगा। तो मशीन गन जो फोर्स एग्जर्ट करता है, कितने समय तक की उससे बुलेट निकलेगी ना, वो डिसाइड करता है कि वो टारगेट पे कितना ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करे। कुछ कहानी ऐसी पानी की भी होती है, पानी से मान लो ऐसे कि अगर आता है, ठीक है, वाटर का फ्लो होता है और यहाँ पे क्या कहते हैं, एक आदमी खड़ा होगा, ठीक है। अब मान लो वो होता है ना, पुलिस वाले क्या करते हैं, जब क्या कहते हैं, ज्यादा भीड़ हो जाती है तो टीयर गैस निकाल देते हैं, जब पानी का पाइप से पानी का फ्लो करवाते हैं। अब मान लो एक आदमी खड़ा हुआ, ठीक है, पानी इसको जाके हिट कर रहा है, ठीक है। अभी वो पानी के सामने अगर 1 सेकंड तक ही खड़ा हुआ, उसको डैमेज कम हो, 2 सेकंड तक ही खड़ा हुआ डैमेज ज्यादा होगा। क्यों डैमेज ज्यादा होगा, तो 2 सेकंड में उसके ऊपर ज्यादा पानी आके हिट करेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। तो याद रखना, जब भी कोई चीज फ्लो में होती है ना, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो फोटॉन्स हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो बुलेट्स हो, तो उनका जो फोर्स होता है ना, वो डिसाइड होता है कि वो कितने समय तक की फ्लो कर रही है वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो एवरेज फोर्स होगा ना, इक्वल्स टू पी इफ डेल्टा टी इक्वल्स टू, मुझे कॉल कर देते हैं, 1 सेकंड। एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 सेकंड, ठीक है। तो हम जब हम बात करेंगे ना, ठीक है, क्या कहते हैं, मोमेंटम चेंज की, तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि कितने समय के लिए बात करें, 1 सेकंड के लिए, बिकॉज जितना ज्यादा समय होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, वो तो वैरी करेगा फोर्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमको यहाँ पे किसी चीज, हमने टाइम को फिक्स कर दिया यहाँ अपने स्टडी को सिंपल करने, अदरवाइज फोर्स बिकम वेरिएबल। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अलग अलग केसेस पे। पहला केस था हमारा केसेस, जब रिफ्लेक्शन हो रहा था, देखो यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है, और क्या कहते हैं, प्योरली रिफ्लेक्शन हो रहे थे यहाँ, ठीक है, तब वो वाला केस। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फोर्स एवरेज क्या हो जाएगा इन 1 सेकंड, दैट इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम हो जाता है नंबर ऑफ फोटोन्स, एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन,
नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, जो जाएगा इंटेंसिटी इनटू एरिया बाय एच सी ऊपर चला के लैम्डा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन का देखो तो मैंने अभी बताया था जस्ट फॉर्मूला क्या था, आई ए लैम्डा बाय एच सी, आई ए लैम्डा बाय एच सी, उसके बाद इनटू चेंज इन फोटोन ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। तो ऑब्वियस ही बात है देखो, अगर एक फोटोन ऐसे आता है इसका मोमेंटम हो जाता है एच बाय लैम्डा, जब ये हिट करके ऊपर जाएगा इसका मोमेंटम हो जाएगा एच बाय लैम्डा, ठीक है, ऊपर नीचे गिरेगा तो माइनस ले लो। तो जब मैंने चेंज निकाला तो इसका माइनस इसका किया तो क्या हो जाएगा, टू एच बाय लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा कट गया, एच एच कट गया, क्या हो जाएगा टू आई ए बाय सी, ये फोर्स हो जाएगा। और इसी से हम क्या ले सकते हैं कि जो रेडिएशन प्रेशर होगा, ठीक है, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया हो जाएगा टू आई बाय, ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया रेडिएशन प्रेशर का। और ये फोर्स, तो याद रखना रेडिएशन प्रेशर जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा केस चूज करें। तो ये हमारा सबसे सिंपल केस था, केस नंबर वन, ठीक है, इसको सबसे फटाफट नोट कर दो, बाकी पांच केस तो हम लगवाएंगे। रोके सबका, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते, केस नंबर टू देखो। तो केस नंबर टू क्या था, इसमें क्या हो रहा था, 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है। तो अगर हम यहां बात करें, यहां पर भी सेम है, एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू चेंज इन मोमेंटम, लिख सकते हो यहाँ पे एवरेज फोर्स सेकेंड केस के लिए, नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटो, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फोटोन हो जाएंगे इस केस में, जैसे हमने अभी निकाला दस, ठीक है, आई ए बाय एच सी, आई ए बाय एच सी ऊपर गया लैम्डा इनटू, अब देखो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटो, ये देखो यहाँ पे एक का फोटोन का मोमेंटम एच बाय लैम्डा, अगर ये फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसका मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, तो फाइनल जीरो हो गया, इनिशियल माइनस एच बाय लैम्डा हो जाएगा, इनिशियल माइनस एच बाय लैम्डा हो जाएगा, नीचे ले लेते हैं तो चेंज कितना हो जाएगा, जीरो माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा मर गया, एच एच मर गया, क्या बच्चा आई ए वाई सी, एवरेज फोर्स हो गया। दिस इंप्लाइज दैट प्रेशर क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स बाय एरिया, प्रेशर हो जाएगा आई बाय सी हो जाएगा, तो नोट कर लो, सिंपल है ना। इसके ऊपर बताओ एकदम डायरेक्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो तुमको करने में कोई दिक्कत नहीं है इसको।
आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन, थर्ड उसका थर्ड में क्या है कि थर्ड वाला केस कौन सा था, देखो ये पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल एब्जॉर्प्शन। तो अगर मान लो यहां पर अगर ये ऐसा है, आर इक्वल टू आर इक्वल टू वन माइनस आर, क्लियर। तो सबसे पहला पार्ट आएगा, इस पे हमको दो पार्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये थर्ड पार्ट को हमको दो पार्ट पे सॉल्व करना है। पहला कि नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड ये हो जाएगा आई ए बाय एच सी, जैसे पीछे पीछे में क्या था हम लोगों ने लैम्डा इनटू आर। देखो यहां पे मैं सब कुछ सेम जा रहा है, यहां मल्टीप्लाई कर दिया आर, क्योंकि ये आर क्या फ्रैक्शन हुआ ना। मान लो अगर टोटल वन लेता हूं मैं, अगर उसका फ्रैक्शन जो रिफ्लेक्टेड अगर मान लो वो 0.4 है, तो मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब इक्वल टू हो जाएगा आई ए बाय एच सी लैम्डा। यहां पे ए आना चाहिए, अब ए के बदले में क्या पुट कर सकते हो, वन माइनस आर पुट कर सकते हो, उसे एक ही वेरिएबल रहेगा। अब इसको मैं लिखता हूं चेंज इन मोमेंटम इन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में मोमेंटम का चेंज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू लैम्डा बाय एच देखो मोमेंटम का मैंने क्या लिखा था अभी चेंज था एच बाय लैम्डा, तो टू सॉरी उल्टा लिख दिया टू एच बाय लैम्डा। और आगे लिखा जाएगा ये ए पार्ट के लिए हो गया, चेंज इन मोमेंटम इन एब्सॉर्प्शन हो जाएगा एच बाय लैम्डा, ठीक है, ये एब्सॉर्प्शन में चेंज हो गया। अब अगर हम आगे देखें फोर्स की बात करें, तो फोर्स का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। तो मैं यही फिर इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ऊपर का मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर का तुम लोग पहले नोट कर जाओ, सेकंड पॉइंट नोट कर जाओ, फिर मैं थर्ड को ना थोड़ा ऊपर में एडजस्ट कर देता हूँ, नया पे ही लूंगा ना, कोई बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो ऊपर का तुम लोग पहले नोट कर जाओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर का इरेज कर रहा हूं, देखो आगे अब बात आती है फोर्स। अब देखो एक चीज समझना कि चाहे वो एब्जॉर्ब हो चाहे वो रिफ्लेक्ट हो, अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो फोर्स नीचे लगाएगा जो रिफ्लेक्टिंग फोटोन होगा, अगर वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो भी फोर्स नीचे लगाएगा। तो दोनों ही केस में फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, और हमको पता है कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है हम सिंपली उसको ऐड कर देते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन दैट इज आई ए बाय एच सी लैम्डा आर
प्लस आई ए बाय एच सी लेमडा वन माइनस आर, तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। अच्छा, और इसको अपने को मल्टीप्लाई भी करना होगा ना, यहाँ पे आई ए बाय एच सी लेमडा इंटू टू एच बाय लेमडा इंटू टू एच बाय लेमडा। तो जब यहां से एच एच मर जाएगा, लेमडा लेमडा मर जाएगा, क्या बचेगा, आई टू आई ए आर बाय सी प्लस यहां बचेगा टू ऐसा हो गया टू एच बाय लैम्डा, यहां पे एच बाय लैम्डा नहीं आएगा, यहां पर खाली एच बाय लैम्डा बचेगा, यहां बचेगा टू, यहां बचेगा आई ए बाय सी, ठीक है, लैम्डा लैम्डा मर जाएगा, एच एच मर जाएगा, वन माइनस ये बचेगा आई ए बाय सी, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा टू आर प्लस वन माइनस आर, आई ए बाय सी ये बच जाएगा टू आर माइनस आर, आर बचा, ठीक है, और ये बचेगा आर प्लस वन, ठीक है, दिस इज द फोर्स एक्सर्ट, और फोर्स एग्जर्टेड है तो प्रेशर निकालने बोला जाएगा, तो प्रेशर निकाल सकते हैं फोर्स बाय एरिया दैट इज आई बाय सी आर प्लस वन, ठीक है ना। और तुम थोड़ा अपना एक्सप्रेशन को वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर हमने आर को ले लिया जीरो तो वो रिफ्लेक्शन जीरो हो गया तो प्योर एब्जॉर्प्शन तो आई बाय सी होगा, और अगर हमने आर को ले लिया वन, ठीक है, तो ये टू आई बाय सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तुम पता, तो इस एक्सप्रेशन को याद ही कर जाओ तो बेस्ट है, तो वो तो खाली मैंने पूरा डिराइव करके दिखाया फील के लिए, लेकिन अगर तुमको याद रह जाता तो बेस्ट है। हमारे लिए डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे समझना इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले को रखना इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो तुम ना इस फॉर्मूले को याद कर जाना, आई बाय सी ब्रैकेट में आर प्लस, और कहाँ से आया तुमको समझ में आ गया, इसको सबको फटाफट नोट कर दो, क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तीन केस हो गए, तीन और देखेंगे।